हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द्रव स्थैतिक दाब है उसका पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको जो है जितनी भी इस चैप्टर के थियरी टॉपिक्स थे उनको हमने कवर कर दिया है। न्यूमेरिकल पोर्शन बचा है जो कि इस पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को जो है जरूर ध्यान से देखिएगा, आपको सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल के बारे में जो है दिया गया है, यानी कि अगर एग्जाम में आता है तो बेसिक न्यूमेरिकल आएंगे जिसको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बता दें जो पुराना लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्षैतिज सतह हो, ऊर्ध्वाधर सतह हो या फिर नत समतल सतह हो, इस पे संपूर्ण दाब निकालने का जो सूत्र था वो क्या था, संपूर्ण दाब F बराबर रो जी ए इंटू एच बार। ठीक है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ये फार्मूला चाहे क्षैतिज सतह हो, ऊर्ध्वाधर सतह हो या फिर नत समतल, सभी के लिए सेम है। और जहां पे हमें पता है रो जी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है ना, तो ये फार्मूला है स्मॉल डब्ल्यू ए इंटू एच बार। ठीक है, जहां पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षैतिज समतल सतह, ऊर्ध्वा समतल सतह तथा नत समतल सतह पर दाब केंद्र की गहराई का क्या फार्मूला है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले नत समतल क्षैतिज सतह की बात करें तो हमने देख लिया था कि अगर कोई प्लेट जो है इनक्लाइंड यानी कि नत समतल अवस्था में डूबा हुआ है थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए और उसके जो गुरुत्व केंद्र जो कि जी है, तो जी जो है यहाँ पे लाई करेगा, तो इसकी गहराई एच बार है। और जहां पे दाब लगेगा, दाब एफ लग रहा है जिसको सेंटर ऑफ प्रेशर बोल रहे हैं, उसकी जो गहराई है वो एच स्टार है। तो हमें ये दाब केंद्र की गहराई निकालना है एच स्टार। और एच स्टार का फॉर्मूला हमने पढ़ा था नत समतल सतह के लिए, आई जी साइन स्क्वायर थीटा ए एच बार प्लस एच बार। वहीं पे जब ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर दाब केंद्र की गहराई निकालना था तो साइन थीटा, तो यहाँ पे जब ऊर्ध्वाधर प्लेट होगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जब आई जी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कोई भी डेटा में चेंज नहीं होगा और एच स्टार बराबर हो जाएगा आई जी ए एच बार प्लस एच बार। वहीं पे अगर प्लेट जो है क्षैतिज है तो क्षैतिज की स्थिति में हम जानते हैं कि जो एच स्टार है, एच स्टार मतलब कि द्रव दाब केंद्र की गहराई, वो सिंपल प्लेट की गहराई के बराबर होगी। जितनी गहराई पे प्लेट है वही जो है एच स्टार हो जाएगा, तो एच स्टार इज इक्वल टू एच बार। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा, साइन जीरो डिग्री का मान जीरो हो जाएगा, तो जब जीरो का मल्टीप्लाई होगा इस टर्म में तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, और हमने बताया था कि अगर आपको प्लेट जो दिया जा रहा है रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया बी इंटू डी से आप मल्टीप्लाई करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उसका आई जी जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12। वहीं पर ट्रायंगुलर फार्मूला है तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला जा सकता है। और उसका जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है बी एच क्यूब डिवाइड बाई 36। ये सारे फार्मूले जो है कि जड़त्व आघूर्ण निकालने का आप मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स जो आपका सब्जेक्ट है। फिलहाल तो यहाँ पे आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना है, आपको रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर और सर्कुलर इन तीन प्लेट के लिए आई जी की वैल्यू जो है आपको याद रखनी है। सर्कुलर प्लेट है तो पाई डी के पावर 4 डिवाइड बाई 64 होगा। ठीक है, और एरिया क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये होगा सर्कुलर प्लेट का क्षेत्रफल। वहीं पर अर्धवृत्ताकार है तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप अगर कभी आ जाता है तो इसका एरिया क्या आएगा, पाई डी के टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8, क्योंकि यहाँ पे पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है और अर्धवृत्ताकार है, इसी का आधा है तो डिवाइड बाई 2 और आ जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। और इसका जो आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो वो होता है 0.1099 आर टू द पावर 4, एक अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर प्लेट का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हमारे पास ये एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में एक बार आ चुका है, इसी तरह के ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर का है और इसी तरीके से डेटा चेंज कर दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम होता है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार समतल सतह जो कि 2 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी है, यह सतह पानी में ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, पानी के अंदर ऊर्ध्वाधर स्थिति में है,
तब समतल सतह पर संपूर्ण दाब यानी कि जो आयताकार समतल सतह है उस पर क्या संपूर्ण दाब लगेगा, और दाब केंद्र की स्थिति यानी कि दाब केंद्र की गहराई कहना चाह रहा है कि दाब केंद्र की गहराई ज्ञात कीजिए। जबकि सतह का ऊपरी किनारा क्षैतिज स्थिति में है यानी कि सतह का जो आयताकार प्लेट है उसका ऊपरी किनारा कैसे है क्षैतिज स्थिति में है, और पानी के सतह के समपाती है यानी कि जो पानी का सतह है उसी से उसी के लेवल पे है या उसी के सतह के संपाती है। संपाती का मतलब होता है कि अगर पानी का लेवल यही है तो उस प्लेट का भी लेवल यही है यानी कि गहराई में डूबा नहीं है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए कि एक आयताकार प्लेट है और ये आयताकार प्लेट जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में डूबा हुआ है पानी के अंदर, ये और इसका जो ऊपरी जो सतह है ये ऊपर का प्लेट का जो ऊपरी किनारा है ये भी जो है कि कैसा है कहा है कि ऊपरी किनारा वो भी क्षैतिज स्थिति में है। ये ऊपरी किनारा कैसे क्षैतिज स्थिति में है, क्षैतिज स्थिति में अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो अब ये ऊपरी किनारा जो है क्षैतिज स्थिति में नहीं है, ये न तो समतल स्थिति में है। तो कह रहा है एक प्लेट है जो कि क्षैतिज स्थिति में है इसका ऊपरी किनारा, ठीक है, और पानी का भी जो पानी का लेवल होगा जो पानी का तल का लेवल होगा वही प्लेट का भी लेवल होगा। पानी का तल ये है तो इसी लेवल पे प्लेट भी है, पानी के तल से वो प्लेट नीचे डूबा नहीं है, ठीक है, यानी कि जो पानी का तल है वही प्लेट का भी तल है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में इस प्लेट पर जो दाब लगेगा, पानी भरा हुआ है तो पानी जो है इस प्लेट पर दाब लगाएगी, तो कितना दाब लगाएगी संपूर्ण दाब बताइए, और पानी के तल से कितनी गहराई पर दाब लग रही है वो बताइए, दाब केंद्र की स्थिति बताइए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पिक्चर बना लेते हैं। देखिए ये है पानी का तल, ठीक है, और इसी पानी के तल को, ये पानी का तल है, इसी पानी के तल पे संपाती जो है कि एक आयताकार प्लेट डूबा हुआ है जिसकी चौड़ाई जो है 2 मीटर है और उसकी ऊंचाई जो है या फिर गहराई प्लेट की 3 मीटर है। अब हमें पता है कि जो कोई भी प्लेट हो उसका गुरुत्व केंद्र कभी भी बदलता नहीं है, तो इस प्लेट का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो 3 मीटर की गहराई है, तो इसका गुरुत्व केंद्र बिल्कुल बीच में आएगा। इस प्लेट का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा। तो अगर बात करें कि यह 3 मीटर गहरा प्लेट है तो इसका गुरुत्व केंद्र की गहराई कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा, कि पानी के तल से 1.5 मीटर गहराई पे इसका गुरुत्व केंद्र है क्योंकि प्लेट जो है 3 मीटर गहरा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एच बार है एच बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट मतलब होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां पे दाब लग रहा है वह केंद्र है, तो इस दाब केंद्र पर कितना फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ जो है वो कितना है, संपूर्ण दाब कितना है, और इसकी पानी के तल से गहराई कितनी है, गहराई का मतलब है एच स्टार कितना है, यही एच स्टार ही तो पानी के तल से इसकी गहराई बता रहा है, ठीक है। तो दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल एफ और एच स्टार, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समतल सतह की जो चौड़ाई है बी इज इक्वल टू 2 मीटर आप देख सकते हैं, और इसकी जो गहराई है वो 3 मीटर है। तो ऐसे में पहला पॉइंट हम बात करते हैं संपूर्ण दाब कैसे कैलकुलेट करते हैं पानी की सतह के संपाती के लिए। अब क्योंकि पानी के सतह पे संपाती है बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में जो संपूर्ण दाब कैपिटल एफ है उसका फार्मूला हमें पता है रो जी ए इंटू एच बार। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये पानी में डूबा हुआ है तो हमने बताया था कि पानी में अगर डूबा है तो पानी का जो घनत्व होगा वो कितना होगा, 1000 होगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि कितना होगा 9.81 होगा, 9.81 होगा। और वहीं पे एरिया की बात करते हैं कि कैपिटल ए क्या है, उस प्लेट का एरिया है जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो प्लेट की प्लेट का एरिया निकालना है तो बी इंटू डी कर देना है, यानी कि चौड़ाई गुड़े गहराई कर देना है तो पूरे प्लेट का एरिया आ जाएगा, तो 2 × 3 कर दिया जाए तो इस प्लेट का एरिया आ जाएगा। और साथ ही साथ क्या बोला है, एच बार, एच बार क्या है, पानी के मुक्त तल से उस प्लेट के गुरुत्व केंद्र यानी कि जो जी पॉइंट है, यहाँ पे जी बिंदु देख रहे हैं, ये गुरुत्व केंद्र है, तो प्लेट के गुरुत्व केंद्र का तक की दूरी है। तो ऐसे में जो एच बार होगा हमारा वो कितना होगा, 1.5, क्योंकि 3 मीटर का आधा कितना होगा, 1.5 मीटर होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
अब सारा का सारा वैल्यू हम जो है यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। देखिए घनत्व पानी का कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप पूछ सकते हैं कि सर अगर ये जो प्लेट है वो पानी में डूब के किसी दूसरे अन्य द्रव में डूबा हो, ठीक है, जैसे कि तेल के अंदर डूबा हो ये प्लेट, ठीक है, तो अगर तेल के अंदर डूबा होगा तो द्रव तेल का या फिर जिस भी द्रव में प्लेट डूबा है तो उस द्रव का घनत्व दिया जाएगा, ठीक है, उस द्रव का घनत्व दिया जाएगा, क्योंकि पानी का घनत्व हमें पता है, स्टैंडर्ड है, वो फिक्स है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, इसलिए उसने सीधे बता दिया कि पानी के अंदर जो है डूबा हुआ है और इसका घनत्व इसने नहीं दिया। अगर तेल वगैरह या कोई पानी के अलावा कोई भी दूसरा द्रव होगा तो उसका घनत्व क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो 1000 किलोग्राम इसका घनत्व हो गया। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। और क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 × 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। और एच स्टार क्या होगा, सॉरी एच बार क्या है कि पानी के सतह से गुरुत्व केंद्र तक की गहराई है, तो 3 मीटर है, 3 मीटर का हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। और जब इसको सारा कुछ पुट करेंगे तो 1000 × 9.816 × 1.3, तो कैपिटल एफ यानी कि संपूर्ण दाब की गहराई आ जाएगी। संपूर्ण दाब की जो गहराई आ रही है वो कितना आ रहा है, 88290 न्यूटन। और इसी को किलो न्यूटन में लिखना हो तो न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 88.2929 किलो न्यूटन, है कि नहीं, तो ये 88.29 किलो न्यूटन आ जाएगा फोर्स को, तो न्यूटन में भी लिख सकते हैं, किलो न्यूटन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने एक चीज फाइंड आउट कर लिया, वो है संपूर्ण दाब की। इस प्लेट पर जो वर्टिकल स्थिति में प्लेट पड़ा हुआ है और वो पानी के संपाती डूबा हुआ है, तो उस प्लेट पर जो दाब लग रहा है वो कितना है, 88.29 किलो न्यूटन का दाब लग रहा है, जो कि संपूर्ण दाब कहलाएगा। लेकिन अब दाब केंद्र की स्थिति की कितनी गहराई थी, ये जो फोर्स एफ है वो कितनी गहराई पे है पानी के तल से, ठीक है। तो हमने एक चीज आपको बताया था कि जो फोर्स एफ लगेगा यानी कि जो दाब केंद्र होगा वो गुरुत्व केंद्र के नीचे होगा, यानी कि सबसे पहले ऊपर जो है जी आएगा और उसके नीचे जो है पी आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर गुरुत्व केंद्र की गहराई जो है 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा डेटा आएगा, और 1.5 मीटर से ज्यादा जो है ये एच स्टार जो है 1.5 मीटर से ज्यादा आता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन सही, ठीक है। ये चेक करने का एक तरीका है, आप चेक कर सकते हैं फिलहाल। तो चलिए अब मूव करते हैं और बात करते हैं दाब केंद्र की स्थिति कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप में हम जो है कैलकुलेट करेंगे दाब केंद्र की स्थिति, ठीक है, यानी कि एच स्टार कैलकुलेट करेंगे, ये एच स्टार कितनी गहराई पे है। वर्टिकल प्लेट के लिए हमने दाब केंद्र की गहराई का फार्मूला आपको बताया था कि एच स्टार बराबर आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। तो अब हमने क्वेश्चन में देख रखा है कि एच बार का जो वैल्यू है वो कितना है, 1.5 है, 1.5 मीटर, ठीक है, और एरिया भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, 6 मीटर स्क्वायर है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है आईजी, अगर आईजी पता हो तो वो आईजी मतलब जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण हमें पता हो तो उसको हम जो है पुट करके दाब केंद्र की गहराई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप देखें तो आईजी का फार्मूला एक आयताकार प्लेट के लिए होता है BD³/12, यानी कि B मतलब चौड़ाई विड्थ और D मतलब डेप्थ यानी कि गहराई, तो 2 × 3 का होल क्यूब डिवाइड बाई 12। जब कैलकुलेट करेंगे तो IG हमारा आ रहा है 4.5 मीटर टू द पावर 4, क्योंकि ये मीटर क्यूब है, ये क्यूब लगा हुआ है, मल्टीप्लाई ये भी जो है कि विड्थ है, तो विड्थ किस में है, मीटर में है, और डेप्थ भी मीटर में है, लेकिन ये मीटर का क्यूब है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर टू दी पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आईजी हमें पता चल गया 4.5 मीटर टू दी पावर 4। अब इसको हम पुट कर देते हैं एच स्टार कैलकुलेट करने के लिए। आईजी की वैल्यू है 4.5, ए की वैल्यू है 6, ठीक है, एच बार की वैल्यू है 1.5, तो टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 0.5 + 1.5 और एच स्टार की वैल्यू आ जाती है 2 मीटर, ठीक है। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया है एच स्टार यानी कि दाब केंद्र की गहराई मुक्त सतह से, जो दाब बिंदु पी है जहां पे फोर्स एफ लग रहा था, इस फोर्स की
गहराई कितनी है? 2 मीटर गहराई पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है? वो 88.29 किलो न्यूटन हमने देख लिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा ना क्वेश्चन पूछे तो वो पूछ अब इसी प्लेट को, क्योंकि इस प्लेट को पानी के तल पे रखा गया है, कल को इसी प्लेट को पानी के किसी गहराई पे रख दे, ये वह पानी का तल है और इस प्लेट को पानी के किसी गहराई पे, मान लो 2 मीटर की गहराई पे इस प्लेट को रख देता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, क्योंकि प्लेट का खुद का गुरुत्व केंद्र है कैपिटल जी, तो जो कि चेंज होने वाला नहीं है। गुरुत्व केंद्र कहाँ पे रहने वाला है? इस प्लेट के हाफ पर। अगर 3 मीटर का प्लेट है तो ऊपर से 1.5 मीटर गहराई पे इसका गुरुत्व केंद्र होगा, ठीक है। लेकिन जो एच बार है, एच बार तो पानी के तल से गुरुत्व केंद्र तक की गहराई है, तो एच बार निकालने के लिए 2 मीटर प्लस 1.5 मीटर आप ऐड कर देंगे तो एच बार आ जाएगा, और इसी के जस्ट नीचे कहीं पर दाब केंद्र होगा जहां पर फोर्स एफ लगेगा। तो ऐसे केस में होगा क्या कि कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बशर्ते जो है कि करने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन यही रहेगा कि तल जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है कि जो प्लेट है वो पानी के तल से 2.5 मीटर नीचे है। अब ऐसी स्थिति में क्या संपूर्ण दाब होगा या दाब केंद्र की क्या स्थिति बनेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि 2.5 मीटर प्लेट और गहराई में चला गया है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे गहराई में कोई वस्तु जाती है पानी के अंदर तो दाब उस पर बढ़ते जाता है। तो ये चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली करते हैं। पुराना जब पानी के तल पे था प्लेट तब संपूर्ण दाब 88.29 किलो न्यूटन आया था। अभी देखते हैं कि संपूर्ण दाब ऐसी स्थिति में क्या आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार समतल सतह जो कि 2 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी है, यह सतह पानी में ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, तो समतल सतह पर संपूर्ण दाब तथा दाब केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। जबकि सतह का ऊपरी किनारा क्षैतिज स्थिति में है, ठीक है, ऊपरी किनारा जो है सतह का प्लेट का क्षैतिज स्थिति में है तथा पानी की सतह से 2.5 मीटर गहराई पे है, तो कुछ इस तरीके का इमेज बनेगा। ये देखिए पानी, ये क्या है, ये है पानी का तल, और पेन का इंक जो है चेंज कर लेता हूं। ये क्या है, ये पानी का तल है, और पानी के तल से 2.5 मीटर गहराई पे अब ये प्लेट डूबा हुआ है जिसका चौड़ाई 2 मीटर और गहराई जो है 3 मीटर है। अब ऐसी स्थिति में एच बार क्या हो जाएगा, एच बार हो जाएगा पानी के तल से इसकी गहराई, और एच स्टार क्या हो जाएगा पानी के तल से दाब केंद्र तक की गहराई, ठीक है। तब अब हम जानते हैं कि समतल सतह की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर और गहराई है 3 मीटर, और इस पर संपूर्ण दाब निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो रो जी ए इंटू एच बार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एच बार कैसे निकालेंगे, एच बार क्या है, पानी के मुक्त सतह से गुरुत्व केंद्र तक की गहराई। तो देखिए अगर ये 3 मीटर गहरा प्लेट है तो इसका गुरुत्व केंद्र कितनी गहराई पे होगा, इसके जस्ट हाफ पे होगा, यानी कि 1.5 मीटर पे होगा, तो ये गहराई कितनी होगी 1.5 मीटर। लेकिन एच बार निकालने के लिए 2.5 मीटर और अलग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एच बार क्या है, 2.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, तो 2.5 मीटर प्लस ये प्लेट जो है 3 मीटर गहरा था, तो 3 मीटर का आधा 1.5 मीटर, तो 2.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर यानी कि 4 मीटर, ठीक है। ये 4 मीटर क्या है, ये बेसिकली हमारा एच बार है, एच बार। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि एच बार जो है वो बढ़ गया 1.5 मीटर से सीधे 4 मीटर हो गया। अब तब फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स बराबर रो जी ए इंटू एच बार, तो प्लेट का एरिया तो चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लेट वही सेम है, 2 × 3 कर देंगे, 2 × 3 कर देंगे तो 6 मीटर स्क्वायर जो है प्लेट का एरिया आ जाएगा। तो सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ बराबर रो जी ए इंटू एच बार, तो रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू जो है 9.81, एरिया की वैल्यू कितना हो गया 6, और एच बार की वैल्यू कितनी होगी 4, और सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो संपूर्ण दाब आ रहा है वो 235440 न्यूटन आ रहा है, या फिर कहें कि 235.44 किलो न्यूटन आ रहा है, 44 किलो न्यूटन, ठीक है। यानी कि देख रहे हैं कि गहराई बढ़ने के साथ साथ किस तरीके से जो है कि संपूर्ण दाब उस प्लेट पर बढ़ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं
संपूर्ण दाब हमने निकाल लिया, तो दाब केंद्र की स्थिति किस तरीके से निकालते हैं। दाब केंद्र की स्थिति मतलब एच स्टार निकालना है। एच स्टार निकालने के लिए अगर हमें ये गहराई पता चल जाए, ये गहराई पता चल जाए ठीक है, और इसमें 2.5 मीटर अलग से ऐड कर लें, तो दाब केंद्र की स्थिति आसानी से पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्षैतिज सतह के लिए हमने पढ़ा था कि दाब केंद्र की स्थिति आई जी अपान ए एच बार प्लस एच बार, ठीक है, ये फार्मूला है। तो डायरेक्ट जो है हम फार्मूले पे वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा जो है इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला डेराइव करके आया हुआ है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस प्लेट का आई जी जो है कैलकुलेट करा था, आई जी जो कि कैसे कैलकुलेट किया था, बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 पिछले जो है क्वेश्चन में, तो इसी बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 से आई जी हमने कैलकुलेट किया था 4.5 मीटर टू द पावर 4, और एरिया कैलकुलेट किया था 6 मीटर स्क्वायर। अभी एच स्टार कैलकुलेट करके आ रहे हैं कि 4 मीटर आया था, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा जो है कि हम यहाँ पे पुट कर देने वाले हैं। तो एच स्टार में जब आई जी की वैल्यू पुट करेंगे 4.5, एरिया कितना है 6 मीटर स्क्वायर, और एच बार की वैल्यू 4 प्लस 4। अब इसको सारा डेटा पुट करके कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो एच स्टार हमारा आएगा, इसको सॉल्व किया तो आ रहा है 0.1875 और 4 प्लस 4, तो टोटल एच स्टार हमारा आ रहा है 4.1875 मीटर, ठीक है। तो ये एच स्टार की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि जो दाब केंद्र की गहराई है वो कितना है, 4.1875 मीटर गहराई पे ये जो दाब लग रहा है। तो सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल आने वाले हैं। कल को हो सकता है कि ये सर्कुलर प्लेट की जगह ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन को चेंज करा जाएगा तो इस प्लेट का साइज चेंज कर दिया जाएगा, 2 मीटर x 3 मीटर की जगह कोई दूसरे साइज का प्लेट दे दिया जाएगा, या फिर इस प्लेट को जो है आयताकार प्लेट की जगह वो सर्कुलर प्लेट आपको दे सकते हैं। सर्कुलर प्लेट का आप आसानी से जो है एरिया तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, पाई डी स्क्वायर बाई 4 करके, या फिर आईजी निकालना है, आईजी तो इस आईजी यानी कि जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो पर भी पाई डी के पावर 4 डिवाइड बाई 64 फार्मूले से आप आईजी कैलकुलेट कर सकते हो। एच स्टार तो एच स्टार गुरुत्व केंद्र, एक सर्कुलर प्लेट का गुरुत्व केंद्र हमेशा बीच में ही रहेगा, सीजी पे रहेगा, तो ये इसकी गहराई भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एच स्टार निकालना होगा वो भी जो है आप आसानी से इस फार्मूले से कैलकुलेट करके पुट करके निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया, दो क्वेश्चन हमने देख लिए हैं कि तब जब प्लेट ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, ठीक है, और आयताकार प्लेट है। तो पहले से तीसरे वीडियो लेक्चर को जो है कि आप पूरा देखिए सीरियल वाइज, और जो कुछ आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट जो जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।